देखिए बराबर से परमिशन वगैरह ले करके सिर्फ लोगों के साथ एक तरह का संवाद करने के लिए हमने बुरेली स्टेशन के बाहर जो है अपना प्रचार चल रहा था, एक कोने के अंदर सब शांति से चल रहा था, और इसके बीच में ये लोग अचानक से भीड़ के बीच में से बीजेपी के जो है वो बलौटे झंडे से है ना, हाँ वो झंडे है करो ना लेना, अचानक से पहले तो उन्हें नारे वगैरह लगाना शुरू कर दिया। हमने बोला चलो थोड़े नारे लगा के निकल जाएंगे, ये चीज़ें होती रहती है उम्मीदवार के इसके उसके हर किसी के। अचानक से उसके बाद में उन्हें बड़ा ही विचित्र प्रकार का विभत्स जिसको कहते हैं अश्लील हाव भाव करके नाच वगैरह करना शुरू कर दिया, और बड़ा ही उधर की सारी महिलाओं को एक तरह का विचित्र तरह से डेंजर में ऐसा धक्का दे के ऐसा ऐसा करके शुरू करना शुरू किया। तब जाके हमारे लोगों को उनको रुकाने के शुरू, और ये सारी चीज़ें बहुत डरावनी, बहुत दहशत फैलाने वाली, बहुत मतलब समाज में एक तरह का घबराहट फैलाकर लोगों को प्रेशराइज करके उनसे ये क्या करवाना चाहते हैं ये लोग। और जब ये लोग उनके पास गए और उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जाहिर सी बात है पहले तो एक दो महिलाओं को घीस पीट के धक्का बुक्का मार के नीचे गिरा दिया ताकि ये ऐसा लगे कि ये हमारे लोगों ने किया है, अगर ये पहले से करना हो तो पहले से नहीं करते। और ये सब का CCTV इधर पुलिस स्टेशन पे मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हम आ गए कुछ उसमें बोल रहे। और क्योंकि मैं रथ के ऊपर खड़ी थी मुझे बराबर से सब दिख रहा था, और शुरू में मैंने भी उनको ऐसे ऐसे कुछ करके मैंने बोला चलो निकल जाएंगे ठीक है होता रहते हैं, लेकिन ये भयानक चीज़ें हैं। मुझे मैं पहले दिन से कह रही हूँ, जब आपको याद होगा मेरा नाम भी घोषित हुआ था मैं उस दिन स्टेज पे बोली थी कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर ये लोग ला रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह से ला रहे हैं, और इसी तरह की कांस्टेंट जो है ये अलग अलग पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कंप्लेन करते हैं, ये खुद जाके बैठे थे कमीशन ऑफिस में मेरे बगैर झूठ मेरे विरुद्ध झूठ कंप्लेंट लेके, खुद ये आदमी मेरे कमिश्नर के ऑफिस में बैठा हुआ था। कौन कैंडिडेट ये सब करता है? आपके ऊपर हमला भी करने की कोशिश की गई क्या? नहीं, अब मैं तो बहुत दूर थी इसके पहले कि ये सारी चीज़ें हो, हमारे लोगों को बीच में फिर पड़ना पड़ा और रोकना पड़ा इन लोगों को, तो इन लोगों ने फिर धक्का बुक्की की है, जानबूझ के एक दो महिलाओं को गिराया है ताकि ये ऐसा लगे कि ये धक्का बुक्की ये इन लोगों ने की है, लेकिन शुरुआत सारी इन सब चीज़ों से उन लोगों से हुई। जैसे मैंने कहा कि देखो सच्चाई ये सब चीज़ों में जुटलाई नहीं जाती होती, छुपी भी नहीं रह सकती, सारी चीज़ों का CCTV अवेलेबल है, फुटेज अवेलेबल है, आप सब देख सकते हैं। उर्मिला जी, मगर आप अभी पुलिस स्टेशन में आए, पुलिस ने क्या इसके ऊपर दिया है? पुलिस भी वहाँ पे थी, मगर कुछ कम लगा क्या मुझे उस वक्त लगा कि उनको उसी वक्त अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने हमारा पूरा सहकार्य दिया है और हमें यहाँ पर अभी यहाँ पर बोरेली पुलिस स्टेशन ये देगी। और मैंने तो पुलिस से हाथ जोड़कर विनती की है कि मैं एक हूँ महिला और ये और मैं महिला होकर कोई आदमी बनने की कोशिश ना मैंने की है ना करना चाहती, मैं बहुत खुश हूँ मैं महिला हूँ, लेकिन मेरे सम्मान के लिए और मेरे अंदर जो इन्होंने डर और खौफ बिठाने की कोशिश की है उसके लिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे, इसकी मैंने विनती की है और उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। शिकायत भी दर्ज कराने आई थी कि उन्होंने इस तरह से घुसखोरी करके दहशत फैला के लोगों को डरा धमका के, औरतों को बीच में डरा धमका के, औरतों को धक्का बुक्की करके उनको दहशत फैला के, ये सारी दहशत फैलाने की मुझे डरा धमकाने की कोशिश की गई है। कोशिश नहीं किया गया है प्रॉपर, कोशिश तो वो होती है जो नाकामयाब होती है, उन्होंने किया है। मेरे हाथ बहुत देर तक काँप रहे थे और किसी के भी होंगे, मैं मेरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से पहली बार पुलिस स्टेशन आई हूँ, तो ये सारी चीज़ें ये नहीं है लोकशाही और ये नहीं है राजनीति इस देश की, ये सारी गंदी और द्वेष से भरी हुई सूड़ से भरी हुई राजनीति है और ये सिर्फ ये लोग चला सकते हैं। थैंक यू।